अहमदनगर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई है, हालांकि स्याही सीएम की गाड़ी पर गिर गई। बताया जा रहा है अकोला की सभा खत्म होने के बाद संगमनेर जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, इसी दौरान स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अकोले अध्यक्ष शर्मिला येवले ने स्याही फेंक दी, पर मुख्यमंत्री गाड़ी में थे इसीलिए उनकी गाड़ी पर स्याही गिरी। ये देखिए तस्वीर, विनोद जगदाले और जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद जरा बताइए क्या है माजरा? महाजनादेश यात्रा जो देवेंद्र फडणवीस की एक महत्वपूर्ण यात्रा है, उसका चौथा चरण आज शुरू हुआ है और पहली सभा खत्म करके वो संगमनेर जा रहे थे। अकोला से संगमनेर कुछ 40 किलोमीटर की ये दूरी है, तभी उसी सड़क पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की महिला तहसील प्रमुख है शर्मिला येवले, उसने सीएम की गाड़ी पर स्याही फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो स्याही सीएम की गाड़ी पर जा गिरी है। इस महिला की ये मांग है कि फिलहाल महाराष्ट्र में जो मेगा भर्ती चल रही है, जो येवला जो तहसील है जहाँ पर अकोले में सभा थी, वहाँ के एनसीपी के जो विधायक है वो शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इस महिला की मांग थी कि उस विधायक ने वहाँ पर कोई विकास काम पिछले 15 साल में नहीं किया है पिछड़ परिवार ने, तो उनको टिकट ना दिया जाए बल्कि किसी और को टिकट दिया जाए। इस मांग को लेकर ये महिला आक्रामक हो गई थी और उसने ये करतूत की है। जी ओके, तो विनोद बता रहे हैं कि एक कोशिश तो की गई है किसी भी तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विरोध जताने की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। बहुत शुक्रिया विनोद, आगे